चलिए यहाँ पे हमारे पास 10 क्लास का ये हिंदी का पेपर आ गया है, और जिनका भी आज एग्जाम था हिंदी का, उन लोगों का एग्जाम आशा करते हैं अच्छा गया होगा। आप लोग अच्छे से लिखे होंगे, क्वेश्चन बहुत इजी इजी है, ऑब्जेक्टिव भी आसान है और सब्जेक्टिव भी इसका आसान है। हमने पेपर पूरा देख लिया है और हमारे पास ये सेट एफ है। तो जो जो लड़के आज एग्जाम देखे, पहले सिटिंग का और ये फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम का आंसर है, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, इसके बाद हम वीडियो डाल देंगे जैसे ही एग्जाम खत्म होगा। अभी तक चल रहा है एग्जाम तो वीडियो नहीं डाल सकते हैं। पहला शिफ्ट का ये पेपर है, देख लीजिएगा एफ सेट, और इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। सभी लोग यहाँ पे अपना खाली आंसर मिलाते चलेंगे किसका कितना सही हुआ। जिसका कम सही होगा उसको टेंशन नहीं लेना है, कल मैथ के एग्जाम के लिए तैयारी करना है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है कि चिंता किसकी रचना है, मतलब कि चिंता कह रहा है किसकी रचना है। तो चिंता आपको रचना हो जाएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगे, अगे की ये रचना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरे क्वेश्चन में है कि दूर से ही कौन ललकारता है, मतलब दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या। देखिए यहाँ पे हिंट भी कर दिया है, जो लोग सिर्फ पढ़े होंगे, याद करने का तो बात छोड़ ही दीजिए, जो सिर्फ अच्छे से पढ़े होंगे वो आराम से इसको टिक कर लेंगे कि एक वृक्ष की हत्या आया, यानी कि ये वृक्ष से रिलेटेड है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर सही इसका। तीसरा यहाँ पे है कि उसका ह खरगोश की खलिता बेचैनी में, यह पंक्ति, मतलब ये एक पंक्ति है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा अक्षर ज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से ये पंक्ति लिया गया है। तो तीसरा का सही हो जाएगा ए ऑप्शन। चौथा है कि मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबंधित है, मतलब कि ये जो कविता है ये किसको संबोधित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रभु को, प्रभु को ये इसका सही आंसर हो जाएगा, चौथा का ऑप्शन नंबर डी। पांचवा है कि अंग्रेजी वाहन वसन बेस रीति और नीति, यह पंक्ति, मतलब जो ये पंक्ति है ये किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो आपको पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी, जो कि यहाँ पर एकदम सही टिक किया गया है। छठवा क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब क्या कहलाती है। थोड़ा ग्रामर का क्वेश्चन है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। क्या सही हो जाएगा, संयुक्त ध्वनि कहलाती है। सभी लोग से अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लेंगे, अभी 1000 भी हमारा सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके उसको कंप्लीट करवाइए। सातवां क्वेश्चन है कि भ का उच्चारण स्थान, मतलब कि मुंह से जब भ बोलेंगे तो हमारा उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन हर साल और हर पेपर में किसी भी क्लास का आप दीजिए एग्जाम, उसमें आता ही आता है। भ के जगह पे कुछ और पूछ देगा लेकिन उच्चारण स्थान जरूर पूछेगा। तो सातवां का आपको सही आंसर हो जाएगा ओट से, आप बोल के देखिए ओट से ही इसका निकलेगा। तो सातवां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आठ में है कि उच्चारण में वायु क्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे पूछ दिया है कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के तीन भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही। नौवां क्वेश्चन है कि जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद पूछा है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा जगत धन आनंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नौवां का ए। दसवां है आपके सामने, यहाँ से 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है। अशुद्ध शब्द बताना है कि अशुद्ध शब्द कौन है, तो निवृत्ति, निवृत्ति जो लिखा है अशुद्ध है, लिखावट इसका गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 में है कि मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, मतलब कि ये क्वेश्चन है जो, यह कहाँ से लिया गया, यह एक पंक्ति है, ये इसका कोई मतलब मत निकालिए, यह एक पंक्ति है, कहाँ से लिखा हुआ है, मतलब इसका बताना है आंसर। तो 17 का हो जाएगा आपको तुलनात्मक व्याकरण में, तुलनात्मक व्याकरण में ये वाली पंक्ति लिखी गई है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि पपाती बेहोश बेहोश सी क्यों पड़ी थी, मतलब पपाती बेहोश क्यों हो गई थी ये पूछ रहा है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बुखार की तेजी के कारण, और ये एकदम सही टिक लगाया हुआ है, 12 का हो जाएगा डी। 13 में है कि माँ को, माँ एक सेकंड दीजिए यहाँ पे हम, हाँ दिख रहा है क्वेश्चन। 13 में है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, ये भी एक पंक्ति है, ये किसने कहा था, मतलब ये कथन किसने कहा था। तो ये कैलाश ने कहा था, किसने कहा था, कैलाश ने ये पंक्ति कहा था। आगे है 14 नंबर में कि नानकाना साहब अब कहाँ है, मतलब इनका जो नानकाना साहब स्थान है वो किस देश में अब पड़ता है, तब ये पाकिस्तान में चला गया है विभाजन के बाद। तो 14 का हो जाएगा बी। 15 है कि सहेली किसकी रचना है, सहेली एक रचना है, किसकी रचना है। तो 15 का हो जाएगा गुरु नानक की एक रचना है, गुरु नानक की रचना है सहेली। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि सिखों के पांचवे गुरु कौन थे, सिखों के पांचवे गुरु कौन थे। तो गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ है गवनु अति भ्रमणु करे, मतलब कि एक पंक्ति है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राम नाम बिन बिरथे जग जनमा, इससे ये लिया गया है। 17 का हो जाएगा ए। 18 नंबर में है कि गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। तो इसका 18 का आंसर हो जाएगा आपको प्रथम पद, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी इसका हो जाएगा एकदम सही। 19 में है कि पिछानी शब्द का अर्थ क्या है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है, तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहचानी, पिछानी शब्द का अर्थ ही होता है पहचानी। 20 में है कि निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, मतलब निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश, मतलब इन कवियों में से कौन से कवि पठान राजवंश में जन्म लिए थे, तो इसको हो जाएगा रसखान, रसखान जो थे पठान राजवंश के कवि थे, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 21 है कि भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, मतलब कि भीमराव अंबेडकर जो थे इनको किसने न्यूयॉर्क के लिए मतलब कि यहाँ प्रोत्साहन दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इसका बदौरा नरेश, बदौरा नरेश ने इनको आपको दिया था प्रोत्साहन, देखो इसका हो जाएगा। आगे है 23 नंबर, 23 नंबर में यहाँ पे कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से लिया गया है, विष के दांत किस शीर्षक कहानी से लिया गया है, तो एकदम देखिए हम बताया भी था कि पाठ का लेखक नेम और राइटर नेम याद कर लीजिए, आपका एकदम नंबर सही से आ जाएंगे। तो यहाँ पे टिक लगाया हुआ है, बिल्कुल सही है कि विष के दांत, यहाँ पे नाम भी बोल दिया है और वही चीज दे भी दिया है, तो अब क्या आपको चाहिए इसमें। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म, अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है 1925। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खुट से निकाल कर यही चरपाई पर रखे, मतलब कि ये किसने कहा था, तो 25 का आपको सही आंसर हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी ने, रिश्तेदार की पत्नी ने ये कहा था। आगे है 26 में कि लेखक रामविलास शर्मा को लेखक रामविलास शर्मा को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो किस रचना पर मिला था, तो आपको निराला की साहित्य साधना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 26 का आंसर नंबर ए। 27 में है कि यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है, तो इसका प्रयास हो जाएगा सही आंसर। आगे है 28 में कि रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादन निम्नलिखित में से कौन है, मतलब इसका संपादक कौन है निम्नलिखित में से, तो 28 को आपको आंसर हो जाएगा कि रश्मि वाजपेयी, इसके सही आंसर हो जाएगा। 29 में है कि पंडित बिरजू महाराज, पंडित एक सेकेंड, हाँ ठीक है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में किससे कितने साल रहे, मतलब बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे, तो आपको सही आंसर इसका हो जाएगा 2 ढाई साल, 2 ढाई साल वहां पे ये रहे थे। आगे है 30 में कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, इसमें से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, तो कविता का जनपद किसने लिखा था, तो अशोक वाजपेयी ने, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 है कि कवि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी, मतलब 31 में कह रहा है कि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी, तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी विट्ठल नाथ, इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 में है कि किसकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पौ कोटी हिंदू वारिये, मतलब कि ये क्यों कहा था उन्होंने, मतलब कि किस रचना से मुग्ध होकर उन्होंने कहा था, तो ये बताना है, तो 32 का आपको आंसर हो जाएगा रसखान की रचना से ये कहा था उन्होंने, 32 का बी। 33 में है कि कवि धनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, सीधे जन्म मरण से पूछ दिया है क्वेश्चन कि इनका जन्म कब हुआ था, घनानंद का जन्म हुआ था आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही एकदम 1679, 79 नवासी, नवासी ये 79 नहीं नवासी, 1689 यानी 1689। आगे है घनानंद किससे सैनिकों द्वारा मारे गए, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए, मतलब कि किसके सैनिकों ने घनानंद को मारा था, तो इसको आंसर हो जाएगा नादिर शाह, नादिर शाह यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। 35 देखिए, 35 में कह रहा है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, भारत सौभाग्य नाटक 35 में पूछ रहा है किसकी रचना है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम घन, किसकी रचना है, तो प्रेम घन की। आगे है 36 में मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा स्वदेशी, 36 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। 37 में कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, मतलब इन्होंने किस कौन सी पत्रिका लिखी थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कादम्बरी एकदम सही। 38 है कि ग्रम्या, ग्रम्या किसकी रचना है, 38 में कह रहा है कि ग्रम्या किसकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी। 39 में है कि सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था, तो आपको हो जाएगा गंगादत्त पंत। देखिए एकदम एकदम आसान आसान से ही सबसे क्वेश्चन, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म मरण ये सब पूछ दिया है, तो हार्ड पेपर नहीं कर सकते हैं, पेपर इजी था, आप लोग लिख सकते हैं इतना, और 85 क्वेश्चन इनमें से करना था। आगे है 40 में कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, रामधारी देखिए फिर यहाँ पिता का नाम पूछ दिया है, पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही।
आगे है, देखिए यहाँ से पूछ दिया है कि रोन नदी कहाँ पे है, तो थोड़ा जियोग्राफिकल क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, पेपर लाइक है कि रोन नदी कहाँ पे है, तो रोन नदी आपको मिल जाएगी दक्षिण फ्रांस में, रोन नदी है। आगे है 42 में कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसमें पूछ दिया है आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो इसको हो जाएगा 1990, 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1990। 43 में है कि झोले में कितनी मछलियां थी, अब ये क्वेश्चन के लिए अब हम क्या ही कहें, तो सबको याद होना चाहिए कि झोले में कितनी मछलियां थी, वैसे हम इसका आंसर बता दे रहे हैं कि झोले में 3 मछलियां थी। 43 का हो जाएगा डी। 44 है कि भैया मछली अभी कट गई, या किसने पूछा, मतलब ये किसने पूछा था कि मछली अभी कट गई, तो इस 44 का आंसर हो जाएगा सत्तू ने, किसने कहा था, सत्तू ने, इधर का ध्यान नहीं देना है, जो हम टिक करवाए वही ध्यान देना है, सत्तू ने इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया, मतलब इन्होंने किस नाम से किया था, तो ये हो जाएगा यार जुलाहे, यार जुलाहे नाम से इन्होंने किया था। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन में कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, यहाँ पे पूछ दिया है कि इनके बड़े भाई का नाम क्या था, तो इनके बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन, ये अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन। आगे है कि बिस्मिल्ला खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, अब इस क्वेश्चन के लिए क्या ही कहा जाए, वो क्या बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे, सबको पता होगा। आगे पूछ रहा है कि किस स्थान पर मरण की मंगलम माना जाता है, मतलब काशी में यहीं पे सब अंतिम क्रिया क्राफ्ट होता है, 48 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। आगे 49 में है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 50 में है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है, मतलब कि इस कथन को किसने कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने एक कथन कहा था, 50 का सी। आगे है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, 51 में कह रहा है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है, तो सम उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। 52 में कह रहा है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है, सप्ताह, सप्ताह शब्द का विशेषण, मतलब इसका विशेषण क्या हो जाएगा, तो इस सप्ताहिक, इसका विशेषण हो जाएगा सप्ताहिक। एकदम इजी इजी ये सब क्वेश्चन है, सबको होना चाहिए था ही। आगे है 53 में, 53 में कह रहा है कि दार्शनिक शब्द में प्रत्यय क्या है, मतलब इसमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें आपको लगा है अनिय प्रत्यय, दार्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीय, तो अनिय लास्ट में आ रहा है, तो अनिय प्रत्यय इसका एकदम सही हो जाएगा। 54 है कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है, देखिए समास से क्वेश्चन आया है कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 55 में है कि ध्यान में मग्न साधक यह कौन पदबंध है, मतलब ध्यान में मग्न साधक यह कौन पदबंध है, तो पदबंध से ज्यादातर क्वेश्चन 12th क्लास में पूछा था लेकिन यहाँ पे भी आ गया है, तो इसको आपको आंसर आप लोग करके इसको बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, हमको थोड़ा सा अभी इसमें डाउट है। आगे देखिए 56, 56 नंबर में देखिएगा तो है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है, अब इसमें क्या कहा जाए, अब ये जो गलत करके आया होगा उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। आगे है 57 नंबर में कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह सरल वाक्य का उदाहरण है, नॉर्मल वाक्य है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, तो सरल वाक्य इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, माँ ने बच्चों को सुलाया यह किस कारक का उदाहरण है, तो माँ ने इसमें देखिएगा ध्यान से, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा संबंध, संबंध कारक इसमें लगा हुआ है, 58 का सी। 59 में है निम्नलिखित वाक्यों में कौन कौन मिश्र वाक्य हैं, कौन कौन मिश्र वाक्य हैं, तो 59 का आपको सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, यही इसका आंसर होगा। 60 में है कि जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जफरीन अस्पताल में हुआ था, जफरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 में है कि लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, मतलब किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, तो आपको सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखी थी। 63 में है कि सिक्कत शिक्षक, शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है, मतलब इसका अर्थ क्या है आखिर, तो इसका अर्थ होता है मोम, इसका अर्थ होता है मोम। आगे है 64 में कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है, संभार ली गई है, तो इसमें 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ कहानियों से इसको लिया गया है, ये वाला गलत है, 62 63 का, 63 नहीं 64 का आपको आंसर हो जाएगा डी एकदम कन्नड़ कहानियां। 65 में है कि औलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली, मतलब उसका गांव था औलूर, इसमें से किसका गांव औलूर था ये आप लोगों को बताना है, तो मगम्मा, मगम्मा वहीं की थी। 66 नंबर में है कि बारिश होते देखे किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगा, मतलब कि ये किसको ऐसा लग रहा था, तो ये लग रहा था आपको लक्ष्मी को, लक्ष्मी को ये लग रहा था। आगे है 67 में कि ढाते विश्वास
ढाते विश्वास सही आंसर हो जाएगा सात कोड़ी होता, ये गलत आंसर लगा के आई है। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 68 में है यहाँ पे कि तीर गिरे निष्णात डॉक्टरों के एक मत होकर पागल का निगेट प्रकट किया है, तो इसमें से पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 68 का। फिर से पढ़ने दीजिए एक बार, 68 में कह रहा है कि तीर गिरे निष्णात डॉक्टरों के एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया, तो इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। इसका आंसर होना चाहिए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका यानी 68 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आगे चलिए 69 में देखिए कि मंगू किस समय से पागल थी, तो मंगू तो जन्मे से पागल थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है 70 के, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है, मतलब इस कहानी का नाम क्या है, तो नगर। सुजाता ने नगर कहानी के लेखक कौन है, सुजाता। हम एक बार बताए भी थे कि लेखक नेम राइटर नेम याद कीजिए, 10 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ से देखिए इसमें आ गया, किसी किसी का माता पिता का नाम पूछ दिया, तो 10-15 नंबर तो एकदम इजी है इसमें, बस कुछ टॉपिक पढ़कर। आगे है 71 नंबर में, 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक, अब इसके लिए अब हम क्या ही कहें, पहला दूसरा का जो लड़का पढ़ता होगा वो प्रश्नवाचक चिन्ह जानता है कि इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। 72 में है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि कौन है, हमारी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी। 73 में कि निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है, तो दिवाली, दिवाली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे है कि प्रवेश शब्द कौन लिंग है, मतलब प्रवेश शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, आप लोगों को बताना है। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपको पुल्लिंग, प्रवेश पुल्लिंग शब्द है। आगे है 75 में कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो दात्री, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा एकदम सही। 76 में है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, तो 76 का हो जाएगा आम्र में तत्सम शब्द लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा 76 का सी। 77 में है भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा भाग्यवती, भाग्यवती, ऑप्शन नंबर डी। आगे पूछ रहा है कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए, कारक के कितने भेद होते हैं सबको पता है, 8। आगे चलिए 69 में कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, तो कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता ने, सबको पता होगा, तो 69 का 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 80 में है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उस शब्द को बोला जाता है कर्म, कर्म, कर्म बोला जाता है। आगे है 81 इच्छा, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है, इच्छा का पर्यायवाची बताना है, तो इच्छा का हो जाएगा कामना, मतलब हमारा इच्छा कर रहा है यानी हमारी कामना कर रही है, उसी से मिलता जुलता है कामना, यानी इसका पर्यायवाची हो जाएगा कामना। आगे है 82 में कि गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा, गृहस्थ शब्द का विलोम हो जाएगा, गृहस्थ कह रहा है ना, 82, 82 का हो जाएगा सन्यासी। गृहस्थ का मतलब जो घर के काम काज करता हो, और सन्यासी का मतलब जिसे घर से कुछ मतलब ना हो, तो गृहस्थ का विलोम हो जाएगा सन्यासी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 83 नंबर क्वेश्चन में कि जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द बताना है, जो नहीं हो सकता असंभव, जो नहीं हो सकता असंभव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 83 का एकदम सही। 84 है, 84 में चेहरे पर हवाइया उड़ना, मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना कह रहा है यही, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना, मतलब कोई डरा जाता है तो चेहरे का रंग उड़ जाता है, तो वही कह रहा है मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ए ऑप्शन एकदम सही है। आगे है 85 नंबर में कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है महेंद्र, ऑप्शन नंबर इनमें से महेंद्र एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 86 है कि नमक शब्द का विशेषण क्या है, नमक, नमक शब्द का विशेषण नमकीन, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, 86 का सी, 86 का सी। 87 देखिए कह रहा है कि, एक सेकंड इसको हटाने दीजिए, 87 में कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा निरक्षर, मतलब कि अनपढ़ है, क्या है, अनपढ़ है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। आगे है 88 में कि राम खाता होगा, राम खाता होगा, कोई कह रहा है कि वो शायद पढ़ता होगा, तो संदिग्ध है ना, इसमें कुछ लग रहा है, तो संदिग्ध वाक्य हो जाएगा, यानी संदिग्ध वर्तमान, कोई कहता है कि जिसे वो पढ़ रहा होगा, तो शायद पढ़ भी रहा होगा, नहीं भी पढ़ रहा होगा, मतलब कि ये संदिग्ध वाक्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान, मतलब कि अभी है और संदिग्ध में है। आगे है 79 कि गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है, गिरोह शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो गिरोह, जिसे चोरों का गिरोह होता है, तो समूह बता रहा है, गिरोह समूह, यानी कि समूहवाचक सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे है 90 में कि गवाया शब्द में प्रत्यय क्या है, गवाया शब्द में प्रत्यय क्या है, तो वया प्रत्यय है, गवाया, वया प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। 91 में है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें से कारक बताना है, तो इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा आपादान, आपादान अलग हो रहा है, अलग होने के लिए आपादान लगता है यहाँ पे। आगे है 92 नंबर में कि वर्तमान में
वर्तमान हम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो ये सब लोगों को पता होगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। 93 में है कि ऐसा न हो कि कोई आ जाए, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह आपको उदाहरण है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय नहीं है कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, तो अनिश्चयवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है विशेषण। उसे क्या बोला जाएगा? विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहा जाता है? विशेषण। एकदम नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन ही सबको कह सकते हैं। आगे है 95 में कि शेर भर दूध, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिमाण बोधक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा एकदम सही। आगे 96 है कि निम्न वाक्यों में से कौन वाक्य अशुद्ध है, मतलब कौन गलत है, कौन गलत वाक्य है वो बताना है। तो पहला वाला वाक्य गलत है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, आप कहाँ पर रह रहे हैं, थोड़ा गलत वाक्य है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप लोग क्या टिक किए हैं जरूर बताना है। 97 है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन है, इनमें से तद्भव शब्द कौन है? तो इसमें मोर हो जाएगा, मोर तद्भव शब्द है। आगे है 98 नंबर में कि बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? बनावट के, यहाँ पे देखिए बनावट के विचार से पूछ रहा है, तो बनावट के विचार से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 99 में है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं, जो दो शब्दों के मेल से बने हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उनको बोला जाता है यौगिक शब्द। क्या बोला जाता है? यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आगे है 100 नंबर, उस शब्दांश का अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे? तो देखिए क्या पूछ दिया है, तो इसका हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगता है? तो आगे, उपसर्ग आगे लगता है, यानी कि 100 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यहाँ तक अगर आप लोग देखे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। आगे मैथ का सेट भी आप लोगों को मिल जाएगा जस्ट इसके बाद। बाकी आप लोग सही से आंसर मिला के अपना आगे का पढ़ाई कीजिए, मिलेंगे अगले वीडियो में।